चीज़ें तो हम कई सारी करना चाहते हैं, बट कई बार ना यूनिवर्स ने हमारे लिए कुछ अलग ही सोचा होता है। कोशिश तो हम बहुत कुछ करते हैं, बट कई बार ना उस ऊपर वाले ने हमारे लिए कुछ और ही प्लान किया होता है। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस साइड साक्षी धंजल। और मैं निकल चुकी हूँ सुबह सुबह 6 बजे के सफ़र में कॉफ़ी के साथ। बेसिकली मैंने अपना दिन शुरुआत किया था गर्म पानी के साथ, और गर्म पानी में हनी डालकर। हाँ, मैं थोड़ी सी डाइट कॉन्शियस हो रखी हूँ। सो मैं निकल जा रही हूँ सर भाई के साथ, और मैं जा रही हूँ कुछ 400 मीटर के, इतने 400 किलोमीटर के दायरे में। आप गेस कर सकते हो प्लेस मैं जा रही हूँ, हिमाचल की तरफ। और रोड्स कुछ सुनसान पड़ी हुई हैं, मैं क्योंकि सुबह सुबह का वक्त है। सुबह का वक्त ना सबसे बेस्ट रहता है निकलने के लिए। गाइस, पता है सुबह का वक्त बेस्ट क्यों रहता है? सुबह के वक्त में ना मतलब ट्रैफिक कम होता है, आप जल्दी निकल जाते हो, फिर बहुत सारे रास्ते जल्दी पार हो जाते हैं। और ये क्रॉस करते हुए पहला टोल टैक्स, आप बाहर देख सकते हो कितनी फोगी 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 हो रखी है, क्योंकि ठंड आ चुकी है, नवंबर आने वाला है। सो हिमाचल पहुंचने तक के मतलब जो मेरे टोल टैक्स आने वाले हैं वो 450 से 500 के बीच में मेरे टोल टैक्स। मतलब मैंने एक्सप्रेस हाईवे चूज करा है जाने के लिए। एंड लुक एट गाइस, अभी मैं जो है 1x पे शूट कर रही हूँ, कितना ज्यादा कोहरा है मेन रोड पे। अभी तो जो स्टार्ट है मौसम की, सोचो दिसंबर आते आते कोहरा कितना जबरदस्त होगा। मेरे इतने सारे प्लान्स हैं। भाई गाड़ी चला रहा है। भाई तुम नंगे पैर गाड़ी नहीं चलाते ना मेरी तरह, चप्पल पहन के। तुम्हारा सही है तब भी पता है सब। एवरीबॉडी इज लाइक साक्षी तो नंगे पैर गाड़ी कैसे चलाती है? मैं कहती हूँ मुझे फील आती है जब मैं क्लच पे पैर रखती हूँ, पता चलता है एटलीस्ट। So it's eve of you know, भैया दूज हम ट्रैवल कर रहे हैं। सो मैं ना घर से कुछ टिक्का टुक्का मतलब सब कुछ लाना भूल गई, बट यू नो दिस इज एक्चुअली टिक्का। भाई 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 दूज सर तो ढक लिया कर कंजर। मुझे ऐसा लगता है कि पूरा दिन गाड़ी में ही बीतने वाला है, क्योंकि आशीष का कुछ काम था यहाँ पे। एंड इट took like 1 hour. I just picked up something from McDonald's. लेट्स ओपन द रैप, आई एम हंग्री राइट नाउ बिकॉज 12 बज चुके हैं, क्योंकि हमें 4 घंटे तो मोहाली पहुंचने में लग गए, बिकॉज हम गाड़ी एवरेज से चला रहे हैं 70-80 स्पीड से। और ऊपर से पता है सुबह इतनी ठंड थी, अब तो फिर भी नॉर्मल अच्छी बात है, ठंड थी बट अभी मौसम नॉर्मल है। सो गाइज, हम क्रॉस कर रहे हैं सतलुज रिवर जो पड़ती है आनंदपुर साहिब के पास। आनंदपुर साहिब के बारे में आपको नहीं पता तो मैं बताती हूँ, गुरुद्वारा है। मैं जाऊंगी गुरुद्वारे 30 तारीख को, अभी तो मैं रास्ते में निकल रही हूँ क्योंकि मैं पहाड़ रात को नहीं चढ़ना चाहती। मुझे पता था प्रिटी श्योर थी मैं जाम मिलेगा ही मिलेगा। मैं रात की 1 घंटे की सोई हूँ, पर रिवर की आवाज़ सुनो कितनी सुनूंगी। तो मेरे सामने फाटक है, मेरे राइट साइड पे वाटर प्लांट है, मुझे चप्पलें बह रही है लिटरली। पहाड़ चढ़ते हुए अभी टाइम क्या हो रहा है आशीष, कुछ पता है आपको? टाइम मिल रहा है, इट्स 2:30 और हमें अभी लगेगी अराउंड 4 घंटे अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए। तो गाइस, आप ये गलती मत करना, अगर आप सफर पे निकलोगे तो अर्ली मॉर्निंग का प्लान बनाना, डोंट मेक प्लान लेट, स्टक हो सकते हो आप ट्रैफिक पर, बहुत ट्रैफिक। और ये हम क्रॉस करते हुए ब्यास रिवर, सुजानपुर ब्रिज से। और अभी हमारे स्कूल में बचे सिर्फ 2 घंटे और सो गाइस, सो हम अभी जैसे कि आपको बता चुके 2 घंटे ही दूर हैं, हम शॉट लेने लग गए थे। यहाँ पे छोटा सा सनसेट हो रहा है मेरे पीछे, बहुत प्यारा। कह रहा है किस किस को सनसेट देखने बहुत पसंद है। मुझे रात को मून देखना, स्टार गेजिंग करना, सनसेट देखना, और
स्टार से बातें करना, नाइट स्काई के नीचे लेटना बहुत पसंद है. व्हाट यू लाइक इनमें से मुझे कमेंट करके बताओ. फिलहाल सिर्फ 2 घंटे की सोई हुई हूँ, शक्ल मत जज करना. हो सो गाइस, फाइनली रीचिंग द डेस्टिनेशन. मेरे भाई मुझे गुनहेर के पास से ले गए थे. अगर आपको गुनहेर के बारे में नहीं पता तो पता चल जाएगा. अब तो आप गेस ही कर सकते हो मैं हिमाचल में कहाँ पर हूँ. अगर अभी तक गेस नहीं कर पाए हो तो मॉर्निंग में जब शो करूँ तब गेस कर लेना कि मैं कहाँ पर हूँ. हाय गाइस, तो हमने चेक इन कर लिया था रात को अपने कैंप्स में, मतलब जिस जगह पर चेक इन करा है उसका नाम है बीर कैंप्स. और मैं आपको एक चीज़ लोकेशन दिखाने वाली हूँ, और कल तक मैंने आपको लोकेशन बताई नहीं थी. और उसके अलावा मैं आपको पूरी लोकेशन दिखाऊंगी. आई वॉज वेरी टायर्ड. मैं बड़ा नहीं कब से नहीं सोई थी. सो मैं कल से सिर्फ 2 घंटे सोई थी. एंड मेरा भाई उठ चुका है, ही इज़ रेडी. मैं बिल्कुल रेडी नहीं हूँ. ये मेरा कमरा है, आई विल गिव यू द रूम टूर ऑल्सो. मैंने थोड़ा सा कमरा फैला रखा है, आई विल गिव यू द रूम टूर ऑल्सो. एंड मॉर्निंग बहुत प्यारी है आज यार, यहाँ की बहुत प्यारी. अगर आप यहाँ रह रहे हो तो आपको रिवर की आवाज आएगी. गाइस ये यहाँ का बेस्ट रूम है, और मैं लुक एट दिस वाला रूम गाइस, दिस इज टोटली लव. बेड को रेट करें, होई इट्स गुड. फिलहाल ऐसे वाला देखो. ओके लेट्स गो. दे हैव अ मिरर, वाओ. दे हैव अ ह्यूज वॉशरूम, आई जस्ट से the huge washroom with a mirror and गर्म पानी तो है यहाँ पे obviously, और कपड़े टांगने की जगह. पर हमें अभी fortunately ये जो इनका है ये सबसे best tent है यहाँ का. So guys यहाँ पर around 8 से 9 टेंट है, और इनके टेंट कुछ ऊपर भी बन रहे हैं. पार्किंग आपको ऊपर गाड़ी आ जाती है, पूरी गाड़ी यहाँ तक आती है. सो इट वॉन्ट बी डिफ़िकल्ट फॉर यू. एंड ऑब्वियसली ये छोटे छोटे टेंट तो मैं भूल ही गई, इसमें आप सुबह उठते ही सामने की वादियों का नज़ारा ले सकते हो. नीचे आपकी यहाँ पर रिवर है, एंड आई गेस यू कैन हियर द फ्लोटिंग वाटर ऑल्सो. ये बेंगलुरु वाटरफॉल से डायरेक्ट पानी आ रहा है यहाँ पे. और उसके अलावा इनके यहाँ पे सिटिंग एरिया है, एक बार वॉशरूम है, वॉशरूम मतलब नहाना धोना एंड ऑल पूरा है यहाँ पे. प्लस इफ़ यू वांट टू गो फॉर कैंप मतलब बॉनफायर बेसिकली, सो यू कैन एक्चुअली गो फॉर द बॉनफायर ऑल्सो. प्लस मैं ये जगह को पता लिटरली नाम दूँगी लिविंग इन नेचर, क्योंकि बिल्कुल ही नेचर से अटैच है, ग्रीनरी है, कैंप्स है. And this is actually the sitting area. और यहाँ पर बल्कि floating water की आवाज़ कितनी प्यारी आ रही है. So guys, this is my room, which is little bit messed up. कपड़े ये रहे सारे बिखरे हुए. And यहाँ washroom है, उसके अंदर attach गीज़र है, सबसे बेस्ट चीज़. सो गाइस मेरे को दिल्ली से बीर पहुंचने में अराउंड 10 से 12 घंटे लगे, 12 घंटे एग्जैक्टली. और मैं आज का व्लॉग पता यहीं ख़त्म करना चाहूँगी इस खूबसूरत जगह के साथ, क्योंकि मैं आज आपको अगले व्लॉग में आप बीर एक्सप्लोर करोगे मेरे साथ. तो स्टे ट्यून टिल नेक्स्ट व्लॉग, एंड टिल देन जस्ट गुड बाय, स्टे ट्यून बट सी एंड थैंक यू फॉर लाइकिंग शेयरिंग एंड मोर. बाय बाय.